वेलकम टू माय चैनल गाइस। मैं आज आप लोगों को आलू की चप कैसे बनाती है ये दिखाऊंगी। पहले आलू को बॉईल करके रखना फ्रेंड, उसके बाद पेच कर लेना है अच्छे से। उसके बाद थोड़ा सा सॉल्ट डालना है, थोड़ा सा ग्रीन चिली, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा धनिया के पत्ते और ऑनियन ऐड कर लेना है। उसके बाद थोड़ा सा फ्लोर, उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है फ्रेंड। अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा ऑयल डालना है, थोड़ा सा जीरा पाउडर डालना है। उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है फ्रेंड। मिक्स करने के बाद यह पेस्ट छोड़ देना है। उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है, पकने तक ऐसे ही चलाना है। उसके बाद थोड़ा हाथों में लेके ऐसे राउंड राउंड करके, थोड़ा फ्लोर में ऐसे दुबा के, थोड़ा राउंड राउंड करके, थोड़ा सा टाइट करके ऐसे ही बनाना है फ्रेंड। ऐसे ही बनाना है, मैंने पहले से बना के रखा है सब रेडी करके। उसके बाद थोड़ा सा फ्लोर में ऐसे दुबा के, मैंने पहले से ही लिक्विड करके रखा है फ्रेंड, आप भी ऐसे कर सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा ऑयल डालना है। ऑयल डालने के बाद एक एक करके ऐसे छोड़ देना है, और थोड़ा बड़ा स्पेस हो तो और भी ज़्यादा एक साथ डाल सकती हो। मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाला है, उसे थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ऑयल मिलाना है, ऑयल में लगाना है ऐसे। उसके बाद ब्राउन कलर होने तक उसे चेंज करके ऐसे बैक साइड चेंज करना है। उसके बाद ब्राउन कलर होने तक उसे निकाल लेना है। चॉप इज रेडी।